जय हिंद साथियों, नमस्कार। गायत्री ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ संस्कृत चैप्टर वन। आइए देखते हैं क्लास टेंथ संस्कृत जो है ये चैप्टर वन है और ये भाग वन वीडियो वन में जो है हम लोग क्या देखे थे, ये चैप्टर वन मंगलम पाठ जो है ये क्या है, उपनिषद। यानी मंगलम पाठ जो है ये क्या है, उपनिषद है। इस चैप्टर का हम लोग संपूर्ण व्याख्या हिंदी अर्थ में देखे थे, यानी इस चैप्टर का संपूर्ण व्याख्या जो है हम लोग हिंदी अर्थ में देखे थे। तो आज हमारा ये दूसरा वीडियो होगा, यानी दूसरा क्लास होगा। आइए देखते हैं दूसरा क्लास क्या है। ये दूसरा क्लास है, चलिए देखते हैं दूसरा क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्लास में, यानी ये वीडियो जो है दो है, ये बिहार बोर्ड के लिए संस्कृत ये दूसरा वीडियो है और चैप्टर का नाम क्या है, मंगलम पाठ। ये उपनिषद जो है, इस चैप्टर क्या है, उपनिषद है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सब्जेक्टिव यानी इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यानी ये वीडियो टू है, दूसरा वीडियो है, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। फिर हम लोग तीसरा वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, चैप्टर का प्रश्न उत्तर यानी सब्जेक्टिव देखेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। चलिए देखेंगे फर्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है। फर्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है, चलिए जिन लोगों को आंसर आता हो तो वो अपना कॉमेंट में आंसर देते चलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लेंगे और सब्सक्राइब इसलिए कर लेंगे क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर आपको सब्जेक्टिव मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा और चैप्टर का हिंदी में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, संपूर्ण हिंदी में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रथम प्रश्न की ओर, फर्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, यानी मंगलम पाठ के जो है रचनाकार वेद व्यास है, वो कौन है, वेद व्यास यानी महर्षि जो है ये कौन, वेद व्यास। यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने दूसरा, उपनिषद के रचनाकार कौन है, यानी उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो ये भी कौन है, उपनिषद के भी रचनाकार वही है, वेद व्यास ही है। और मंगलम पाठ के भी रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास ही है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, मटेरियल चाहिए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 99 34 20 20 और 32। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं, 99 34 20 20 32। इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना पीडीएफ ले सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने तीसरा है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है, उपनिषद जो है ये किसका अंतिम भाग है, ये वैदिक साहित्य का क्या है, अंतिम भाग है। यानी उपनिषद जो है ये किसका अंतिम भाग है, तो उपनिषद जो है ये वैदिक साहित्य का, किसका, तो वैदिक साहित्य का क्या है, अंतिम भाग है, वैदिक साहित्य का क्या है, अंतिम भाग है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या चार आप लोगों के सामने है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं तो पदात्मक। यानी ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या है, पदात्मक, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या पांच आप लोगों के सामने है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, उपनिषद जो है ये किसका सिद्धांत प्रकट करता है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। आइए देखते हैं उपनिषद जो है ये किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो दर्शन का ये क्या करता है, सिद्धांत प्रकट करता है, दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखते हैं, प्रश्न संख्या छह, किसे बस में नहीं किया जा सकता है,
यानी प्रश्न संख्या 6 जो है, कहा गया किसे बस में नहीं किया जा सकता। तो किसे बस में नहीं किया जा सकता, तो उस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता। यानी ऑप्शन ए जी क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न 7 है, प्रश्न संख्या 7 आप लोगों के सामने, मंगलम पाठ कहां से संकलित है। ये जो मंगलम पाठ है, ये मंगलम पाठ जो है ये कहां से संकलित है, ये मंगलम पाठ कहां से संकलित है, मंगलम पाठ कहां से संकलित है, तो पहले ही बताए थे ये उपनिषद से संकलित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इसका ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 8 प्रश्न संख्या 8 देखेंगे क्या है। तो प्रश्न संख्या 8 आप लोग के सामने है, महान से भी महान क्या है, महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है। महान से यानी महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है। महान से महान क्या है, आत्मा है। ए क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। महान से भी महान क्या है, आत्मा है। यहाँ देख सकते हैं आत्मा जो है, यानी महान से महान भी क्या है, तो आत्मा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9, आप लोग के सामने है प्रश्न संख्या क्या है 9, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, तो वही है कौन, आत्मा। सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, आत्मा। यानी ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, आत्मा है, और महान से महान क्या है, आत्मा है। यानी क्या था, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान, यानी चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे। यानी कहा गया था अनोर नयान महतो महियान, अनोर नयान महतो महियान, यानी अनु से छोटा, यानी अनु से सूक्ष्म क्या है, और बड़ा से बड़ा महतो महियान, यानी बड़ा से बड़ा क्या है, तो वही आत्मा है, और आत्मा है। चलिए नेक्स्ट 10, प्रश्न संख्या 10 आप लोग के सामने है, विद्वान शोक रहित होकर, विद्वान जो है शोक रहित होकर, शोक रहित होकर कहां किसको देखता है, विद्वान जो है शोक रहित होकर किसको देखता है, तो परमात्मा को देखता है। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, परमात्मा को देखता है। ऑप्शन क्या होगा सी, जिसका क्या होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर होगा। विद्वान जो है वो शोक रहित होकर किसको देखता है, तो परमात्मा को देख पाता है। ऑप्शन क्या होगा सी जो है इसका राइट आंसर होगा। आइए 10 हो गया 11, प्रश्न संख्या 11 है, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, सत्य से यानी सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, तो सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, तो देवलोक का, यानी क्या होता है देवलोक का रास्ता क्या होता है प्रशस्त होता है। यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, ये जो संसार संपूर्ण संसार है यह किसके द्वारा अनुशासित है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 जो है, ये संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी बी क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा बी हो जाएगा, परमात्मा के द्वारा। आइए नेक्स्ट, यानी ये इसका सही आंसर क्या होगा परमात्मा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है क्या है 13, वेद यानी वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम, विद्यता यानी विद्यते नाय यानी कहा मंत्र, ये जो मंत्र है ये मंत्र उपनिषद से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, वेदा महंतम पुरुषम महांतम विद्यते 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 नाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, यानी 13 जो है ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये किससे श्वेताश्वर यानी किससे श्वेता यानी किससे लिया गया है स्वास यानी श्वेताश्वत्तरोपनिषद से, श्वेताश्वेत्तरोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा
राइट आंसर होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 अनोरनयान महतो महयान, यानी क्या कहा गया, अनोरनयान महतो महयान। चलिए देखते हैं अनोरनयान यानी कहा अनोरनयान महतो महयान और महिमान मात्मन मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, यानी अनोरनयान महतो महयान जो है ये किस उपनिषद से संग्रहित है, यानी किससे है संग्रहित। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कठोपनिषद से, यानी कठोपनिषद से। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 15। नदियां नाम और रूप को छोड़कर, नदियां जो है नाम और रूप को छोड़कर, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, किस में मिलती है, समुद्र में मिल जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी किस में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 15 हो गया। 16 देखेंगे क्या है, किसकी विजय नहीं होती है। 16 क्या दिया गया है, किसकी विजय नहीं होती है, तो किसकी विजय नहीं होती है, यानी क्या कहा गया, विजय नहीं होती है, तो असत की क्या होती है, विजय नहीं होती है। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 17। प्रश्न संख्या 17 आप लोग के सामने, किनकी महिमा का गायन हुआ है, किनकी महिमा का गायन हुआ है, यानी क्या कहा गया, किनकी महिमा का गायन हुआ है। तो गायन जो है परमात्मा की महिमा का क्या हुआ है, गायन हुआ है, परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है। ऑप्शन डी इज क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, परमात्मा की महिमा का क्या हुआ है, गायन हुआ है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 हो गया। 18 प्रश्न संख्या 18 आप लोग के सामने, सबसे बड़ा खजाना क्या है, सबसे बड़ा खजाना क्या है, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया सबसे बड़ा खजाना क्या है। आइए देखते हैं सबसे बड़ा खजाना क्या है, तो सबसे बड़ा खजाना सत्य है। सत्य क्या है, सबसे बड़ा खजाना है, सत्य क्या है, सबसे बड़ा खजाना है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19। प्रश्न संख्या 19 आइए देखते हैं, 19 दिया गया है ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या है, व्हाट इज ईश्वर, यानी व्हाट इज गॉड, ईश्वर क्या है। चलिए देखते हैं, यानी ईश्वर क्या है, तो ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, ईश्वर है, यानी कहा ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या है, तो सत्य है, सत्य क्या है, ईश्वर है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर, व्हाट इज गॉड, गॉड क्या है, ईश्वर क्या है, तो ईश्वर क्या है, सत्य है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 जो दिया गया है, ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है। प्रश्न संख्या 20 जो दिया गया है, यानी ईशावास्योपनिषद में किसके लिए, किसके विषय में कहा गया है, तो सत्य के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है, सत्यम जयते, यानी सत्य के विषय में कहा गया है। और ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, 21 क्या कहा गया, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, कठोपनिषद में है किसके बारे में कहा गया है, तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो है सब्सक्राइब इसलिए कर लेंगे क्योंकि आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा, यानी क्लास 10th का हिंदी हो या संस्कृत हो या मैथ हो, सारे चीज जो है आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा, इसीलिए सब्सक्राइब कर लेंगे। जब भी वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और बगल में जो है घंटी का बटन जो है दबा लेंगे और ऑल कर लेंगे नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यानी क्या कहा गया, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो मोक्ष के बारे में। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, 21 का बी जो है क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं 22। प्रश्न संख्या 22 जो है आप लोग के सामने है, क्या है, श्वेता
सोप यानी श्वेता सोप निषद में, श्वेताप शोध निषद यानी श्वेता सोप निषद में किसके बारे में, यानी किसके बारे में, किसके बारे में कहा गया है, जो किसके बारे में, परमात्मा के बारे में कहा गया है। ऑप्शन क्या होगा, ए इज क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी परमात्मा के बारे में कहा गया है, यानी किसके बारे में कहा गया है, परमात्मा के बारे में कहा गया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 22 हो गया 23। प्रश्न संख्या 23, किसके प्रथम यानी किसके प्रभाव से, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होकर, किसके पास यानी किसके प्रभाव से कहा गया, किसके प्रभाव से विद्वान जो है शोक रहित होते हैं, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं, तो इंद्रियां, इंद्रियां के प्रभाव से विद्वान क्या होते हैं शोक रहित होते हैं। ऑप्शन सी इज क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न 24 आप लोगों के सामने, सत्य मार्ग, सत्य मार्ग से विद्वान कहां जाते हैं, सत्य मार्ग से विद्वान कहां जाते हैं, क्या कहा गया सत्य मार्ग से विद्वान कहां जाते हैं, तो कहां, तो परलोक जाते हैं कि देवलोक जाते हैं, यानी सत्य मार्ग से विद्वान कहां जाते हैं, तो देवलोक जाते हैं, कहां जाते हैं देवलोक जाते हैं। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यानी सत्य मार्ग से विद्वान कहां जाते हैं, तो देवलोक मार्ग जाते हैं, देवलोक जाते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने 25 है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, नदियां जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर कहां मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, यानी कहां, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में, किसमें, समुद्र में मिल जाती है, तो वो कौन है, वो नदियां है जो अपने नाम और रूप को छोड़कर कहां मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 26, प्रश्न संख्या 26 आप लोगों के सामने है, साधक किसको पार करते हैं, साधक जो है वो किसको पार करते हैं, क्या कहा गया 26, साधक किसको पार करते हैं, आइए देखते हैं साधक जो है वो किसको पार करते हैं, तो मृत्यु को पार करते हैं। ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, साधक जो है मृत्यु को पार करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने 28, प्रश्न संख्या 28 दिया गया है, सत्य धर्म के लिए, सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए, यानी सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे, यानी किसको हटा दे, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे, तो सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे, तो हिरण्मयन पात्र को हटा दे, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे, तो हिरण्मयन पात्र को हटा दे, हिरण्मयन पात्रेन सतस्य मुखम पीतम, तो वही है हिरण्मयन पात्र को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है, सत्य का मुख जो है वो किस पात्र से ढका है, तो सत्य का मुख जो है ये किस पात्र से ढका हुआ है, तो स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 हो गया 29, प्रश्न संख्या 29, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, नाम को छोड़कर, यानी कहा नदियां जो है, यानी नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो क्या था, समुद्र में नाम और रूप को, यानी इसको छोड़कर किस में मिल जाती है, नाम और रूप को छोड़कर किस में, तो यानी इसका बी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा बी इज क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, नदियां नाम को छोड़कर किसमें, समुद्र में मिल जाती है। आइए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न संख्या 30 है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में, गुफा में कौन बंद है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में जो है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, तो वो कौन है आत्मा, वो कौन है आत्मा। ऑप्शन क्या होगा सी इज क्या होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर होगा, प्राणियों के शरीर में यानी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है,
तो ये आत्मा क्या है? बंद है। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने 31 प्रश्न संख्या 31 देखेंगे क्या है। नदियां कहां जाकर मिलती है? तो नदियां समुद्र में जाकर क्या होती है? मिल जाती है। नदियां जो है समुद्र में जाकर क्या होती है? मिल जाती है। नदियां समुद्र में जाकर क्या होती है? मिल जाती है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने 31 हो गया 32। किसकी जय होती है? सत्य की क्या होती है? जय होती है, यानी जीत होती है। सत्य की क्या होती है, यानी किसकी जय होती है? तो सत्य की क्या होती है? जय होती है। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 32 का। आइए 33 देखते हैं, 33 क्या है? तो चलिए देखते हैं 33। किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? किसका मुख जो है, यानी किसका मुख जो है सोने के पात्र से बंद है? आइए देखते हैं, सोने के पात्र से, सत्य का मुख किस पात्र से बंद है? तो सोने के पात्र से बंद है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 34 प्रश्न संख्या 34 क्या है। ब्राह्मण का मुख किससे ढका, यानी ढका है, यानी ब्राह्मण का मुख जो है वो किससे ढका हुआ है, यानी क्या कहा गया? ब्राह्मण का मुख जो है किससे ढका हुआ है? आइए देखते हैं, ब्राह्मण का मुख जो है वो किससे? हिरण्मयन पात्रेन, यानी सोने के पात्र से। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 हो गया 35। 35 क्या है? विद्वान जो है अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाता है? विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाता है? तो परमात्मा में मिल जाता है। किसमें मिल जाता है? परमात्मा में मिल जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग 35 प्रश्न देखे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ये तीसरा वीडियो होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या होगा? ये तीसरा वीडियो होगा, यानी दो, हम इससे पहले हम लोग क्या देखे इस चैप्टर का, यानी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, यानी हिंदी अर्थ में देखे, और अभी ऑब्जेक्टिव देखे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? इस मंगलम पाठ का, यानी इस मंगलम पाठ का क्या देखेंगे? तो मंगलम पाठ जो है उपनिषद है, इसका क्या देखेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।